एक जगह भाई ये है, देखिए ये लोकेशन जबरदस्त। यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, ये देखिए लोकेशन जबरदस्त। और यहाँ पे ये प्लॉट है बिकाऊ, ये तुम्हारा डूंगा रोड पे है, सिद्धोवाला से डूंगा रोड। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका देहरादून में। हम आ चुके हैं अभी देहरादून और सुबह चले हैं 4 बजे के, और इधर जा रहे हैं तमन्ना के घर की तरफ। और भाई रास्ते का ब्लॉग बना नहीं पाया, ये देखिए सामने पहाड़ी दिख रही है आपको, इधर मंसूरी है, ये मंसूरी की पहाड़ी है। उधर घूम रहे हैं सिद्धोवाला में, और यहाँ जल्दी से जल्दी हमें प्लॉट परचेज करके जाना है, यहाँ से तभी लौट के जाएंगे खरीद के। ठीक है भाई, ये है सिद्धोवाला। फॉरेस्ट एरिया, बढ़िया जगह है, पीसफुल जगह है, शांति का एहसास हुआ। भाई हमारे पीछे गढ़वाल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे इनसे बात करते हैं, कोई प्लॉट व्लॉट मिल जाए, गाड़ी अपनी लगा लेते हैं छाँव में। गाड़ी हमने लगा ली अपनी यहाँ पे, और बाकी गढ़वाल प्रॉपर्टी वालों से बात करते हैं। ठीक है, भीतर जंगल में जाके हूँ मैं तो कौन हूँ भाई। जगह देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं। देखिए उधर जो मकान दिख रहा है कोने में, उसे बेचने की बात चल रही है, और देखते हैं कैसा होगा भाई। देख भाई यहाँ आगे दिख रहे हैं मंसूरी के पहाड़, एक बार बाने दिखा, वहाँ पे जा रहे हैं प्लॉट देख रहे हैं मंसूरी के पहाड़ों पे। तब ये देखिए मकान ना हो जाए, ये देखिए पहाड़ दिख जाएगी, वो प्लॉट कोने दिखाई, संदेश प्रधान ने दिखाई, कोने दिखाई जी भाई, सर्दी में आए हम तुम्हें एक बार तब थी। ये गांव है कांस वाली खोपड़ी, ये देखिए बिल्कुल पहाड़ों के नजदीक, और यहाँ खोपड़ी तक भी जगह खाली नहीं। इतनी सारी जगह दिखा देंगे आपको, अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो, कोई प्लॉट खरीदना हो, हमसे संपर्क करें, मोबाइल नंबर हम तुम्हें दे देंगे। एक जगह भाई ये है, देखिए ये लोकेशन जबरदस्त, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, ये देखिए लोकेशन जबरदस्त। और यहाँ पे ये प्लॉट है बिकाऊ, ये तुम्हारा डूंगा रोड पे है, सिद्धोवाला से डूंगा रोड। भाई एक नई जगह पे और पहुँच गए, ये देखिए पीछे है फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ जी रेंट के लिए फ्लैट बना रखे हैं लोगों ने, और उधर वो रानू का मकान है वो सामने दिख रहा हो उस साइड में जो दिख रहा है येलो कलर का, और ये हॉस्टल अभी फिलहाल में बन गया है, और एक प्लॉट यहाँ है इधर। प्लॉट होंगे नहीं, अगर वाले हमारे मित्र का, और देखिए पीछे पूरा फॉरेस्ट है, और इधर लास्ट पहाड़ वो दिख रहा हो, ये देखो ये दिखा है, यहाँ पे एक तीर्थ स्थल भी है इसके ऊपर। देखिए कॉलोनी की जबरदस्त लोकेशन, ये देखिए रानू का मकान है सामने, बहुत बढ़िया मस्त जगह है। सारी जगह और प्रॉपर्टी देख के आ चुके हैं वापस, और रूम पे आ चुके हैं, तो वही आराम वाराम कर लें थोड़ा, फिर नई क्लास में फिर चलेंगे। ये बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो इसका बांग्लादेश में पकौड़े का मजा लेते हैं। देखिए सॉस से पकौड़ा, वही सुबह सुबह प्लॉट्स की खोज में चल दी है, और प्रॉपर्टी डीलरों को ढूंढेंगे, प्लॉट ढूंढेंगे। देखिए जंगल का नजारा, कल इसी जंगल से निकल के गए थे, लेकिन आज सुबह से बारिश हो रही है, तो एकदम क्लीनिंग बढ़ गई, एकदम साफ दिख रहा है पूरा जंगल।
ये वही नीटू का मकान है जहाँ कई बार हमने ब्लॉग में दिखाया है। और ये वो लोकेशन है पीछे वाली, देखो ये लोकेशन आपको दिख रही हो, ये पीछे वन विभाग की जगह है, ये सारे प्लॉट अभी खाली पड़े हैं यहाँ पे। भाई रक्षाबंधन है आज, तो हम राखी बंधवा रहे हैं, पकड़ी बीजी बनेगी बच्चों से, यहाँ देहरादून आए वही तो राखी बंधवा रहे हैं। क्या बच्चा है क्या बता, सौ सौ रुपया ले लिए सब मैंने, पांच है नहीं, पांच मोड़ी है, पांच मोड़ी है, पांच है, छह बच्चे हैं, छह बच्चे ठुक गया भी। अरे तो जिन बच्चे हैं वो गारंटी इनने कर राखी बांध ली, एक दो तीन चार सोना पांच लड़कियों को मिलता है ओनली, मेरी राखी के पैसे पैसा दो मिलता है मेरे को, मैं दे दूँ भाई। बच्चों ने राखी बांध ली है तो दक्षिणा भी दे दी है उन्हें भाई, और मौसम देखिए कितना बारिश का हो रहा है, यहाँ भी बारिश शुरू हो गई है और अपने यहाँ गांव में तो हो ही रही है। देखो बच्चे कई सारे सारे बच्चे इकट्ठे होके अपना एंजॉय कर रहे हैं। भाई लगातार बारिश हो रही है, यहाँ भी शुरू हो गई बारिश, देखी कितनी सारी बारिश हो रही है उधर चारों तरफ, उधर देख दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए बूंदें दिख रही हैं और टीन ऊपर आवाज कर रही है टान टान। भाई घूमते घामते प्लॉट स्लॉट देखते दाखते और यहाँ पे आ चुके हैं सब्जी मंडी, देखिए ये सब्जी मंडी है, सब्जी और फल मंडी एक साथ ही लगती है यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रही हो, और सब्जी बहुत महंगी है यहाँ पे भाई, 700 से 800 रुपए की सब्जी आती है बस थोड़ी सी, तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे हम, जल्दी जल्दी भागेंगे यहाँ से, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा भाई।